तो नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इस तरह से होगा। देखो अभी पुली की बात की, सपोज हमारे पास ये कोई पुली है और इस पुली के ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग को पास किया और स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर अ पुली एंड वी कनेक्ट अ हैवी बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम विद वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने एक स्मॉल मास को किया है। अब देखो पुली के ऊपर से हमने स्ट्रिंग को पास किया और स्ट्रिंग को पास करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग है वो मोशन में आती है। हमने क्या किया, दोनों को एक ही लेवल पे लाके रखा हुआ है और अभी हम इसको रिलीज करते हैं। हमने पकड़ के रखा है और छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हैवी मास है, जो ज्यादा मास वाली बॉडी है वो डाउनवर्ड मोशन करती है और जो स्मॉल मास वाली बॉडी है वो अपवर्ड मोशन करती है। तो दोनों ही रस्सी में इस तरह से देखो, इसके ऊपर एक वेट वर्क करेगा कैपिटल एम जी, मास एम है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है और उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, वेट इक्वल्स टू एम जी। और रियल में ये होता क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ, अट्रैक्शन फोर्स द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ। दूसरा, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग में भी एक फोर्स जनरेट होती है और उसको बोलते हैं टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। भाई मान के चलो एक रस्सी को स्ट्रेच करते हो तो मेरा हैंड बाहर की तरफ पुल करता है तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक फोर्स जनरेट होगी एम जी और अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन इसके यहाँ पे भी एग्जर्ट होती है टी, है ना। टेंशन दोनों जगह इक्वल रहेगी, क्यों, क्योंकि मान के चले मेरे हाथ में एक रस्सी है और इसको आराम से मैंने हाथ में पकड़ के रखा है लेकिन खींचता इससे हूं, पुल इस हाथ से करता हूं तो रस्सी में हर पार्टिकल पर इक्वल टेंशन जनरेट होगी। तो टेंशन यहाँ पे भी अपवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड। सपोज अब जब ये गिरना स्टार्ट करती है, सपोज ये ड्रॉप करना स्टार्ट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करती है। शुरू में मैंने बोला था दोनों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, रेस्ट में रहते हैं, जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसकी भी इंक्रीज होगी क्योंकि दोनों साथ साथ अटैच हैं, है ना। मोशन डिस्प्लेसमेंट दोनों में इक्वल होगा, जितना ये नीचे उतना ऊपर, जब तक वो वहां पे नहीं पहुंचती कहां, अपवर्ड पॉइंट पर, टॉपेस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचती, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। तो हमें बात यहां तक करनी है कि जब ये ऊपर तक नहीं जाती तब तक, तो ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। अब अगर वेलोसिटी में चेंज है, बच्चों यहां पे वेलोसिटी में चेंज होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, यहां पे भी जीरो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना शुरू करती है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, यहां भी बढ़ती है। और वेलोसिटी में अगर इंक्रीज है तो हम बात कर चुके हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को आपने पढ़ा है ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन होगा। अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती, मान के चले ये चौक को देखो अभी, और चौक अभी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती है, मेरी तरफ भी कॉन्स्टेंट से आती है, आगे भी कॉन्स्टेंट से, तो एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं, और अचानक से अभी रेस्ट में है और स्पीड में चेंज हुआ, है ना। फिर से देखो ये यहां तक, तो क्या हुआ, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज, और कैसे पता चला कि एक्सीलरेशन हुआ, सर क्योंकि हमने फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट किया, मेरे हाथ में ही तो फोर्स लगा है तभी तो यहां पे पहुंचता है,
और फोर्स अगर लगता है तो समझ आ गया ना, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एम ए। भाई यहाँ पे फिर से देखो, मैंने फोर्स एग्जर्ट किया तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज इट मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो कितना फोर्स एग्जर्ट किया मैंने, एम ए, वेलोसिटी में चेंज जितना किया होगा टाइम पे, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये डाउनवर्ड मूव करती है वो अपवर्ड, सपोज कितना एक्सेलरेशन जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है ए, है ना, यहां भी ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पे डाउनवर्ड है डायरेक्शन, यहां पे अपवर्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा फ्रॉम फिगर, मेरी बात फिर से समझो, मान के चले मेरा ये हैंड कोशिश करता है कि मैं पीछे की तरफ रहूं, ये हैंड कोशिश करता है कि इस हैंड को मैं आगे की तरफ पुल करूं। यहां देखो जरा ध्यान से, ये दोनों की आज लड़ाई होने वाली है, इस तरह ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ये अपनी तरफ फोर्स लगाता है, जीतेगा कौन, मान के चलते हैं अभी दोनों मेरे हाथ को देखो, दोनों ने इसने और इसने दोनों 2-2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ये भी 2 न्यूटन से पुल करता है ये भी, और दोनों यहीं पे रुके हुए हैं और रुक गए, कैसे फोर्स है, बैलेंस, एक ही बॉडी पे है ना, बैलेंस फोर्स हो गए ना, रिजल्टेंट बैलेंस है दोनों का। आपने बैलेंस अनबैलेंस पढ़ी थी कि जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आता है तो वो बैलेंस होते हैं, लेकिन बाय चांस ये थक गया बेचारा, ये वाला हाथ थक गया, वो लेफ्ट है ना, क्योंकि मैं राइट से वर्क करता हूं, तो लेफ्ट थक गया मेरा, तो क्या होगा, अब करते करते ये चलना शुरू हो गया, फिर से देखो बैलेंस थे दोनों की ताकत इक्वल, लेकिन ये थक गया और थकते अब सीधे सीधी साइड और लगातार चल रहे हैं, कॉन्स्टेंट से चल रहा है, लेकिन ये और भी थकते जा रहा है, लेफ्ट थकते जा रहा है लगातार, तो स्पीड भी बढ़ते जा रही है, और लगातार स्पीड जब जैसे ही बढ़ेगी क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ बच्चों, फिर से देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना, तो कितना मींस इस हाथ ने कितना फोर्स लगाया, या तो इसने 2 से कम की वैल्यू या इसने 2 से ज्यादा की, तभी तो ये चला होगा भाई, 2 न्यूटन 2 इधर 2 इधर बैलेंस है, लेकिन ये जैसे इधर चला है इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा राइट हैंड जैसे ही इधर चलने लगा इसका मतलब क्या हुआ, 2 से इसने ज्यादा वैल्यू बढ़ाई, है ना, इससे ज्यादा फोर्स लगाना शुरू किया इससे कम, तो जब रिजल्टेंट बनेगा तभी वो बॉडी मोशन में आती है, और मोशन में भी किस तरह से, वेलोसिटी में चेंज, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसी तरह से ये डाउनवर्ड मोशन करती है, इसका मतलब क्या होगा, एम जी की वैल्यू टी से ज्यादा होगी, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा होगी बच्चों, एम ए, क्योंकि टेंशन क्या होता है, टेंशन बच्चों स्ट्रिंग के अंदर, किसी रस्ते को खींचते हो आप, इलास्टिक का यूज करते हो ना बालों को बनाने के लिए अपने बालों में, तो जो इलास्टिक होती है उस इलास्टिक को खींचते हो, छोड़ते हो तो वापस वो इनिशियल स्टेट में आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है, टेंशन की वजह से, टेंशन, आपको ज्यादा वर्क मिलता है आप भी तो टेंशन में आ जाते हो, आप क्या कोशिश करते हो कि हमें ये वर्क ना मिले, इससे छुटकारा मिले जैसे भी हो, तो मींस कोई चीज उसको अपोज करे वो उसका टेंशन है, और अपोजिंग करने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है, रस्सी को, फोर्स, है ना, फोर्सेस, मैंने बताया ना, कोई भी पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज जो चेंज कर सकता है बॉडी की पोजिशन को, उसकी डायरेक्शन को वगैरह वगैरह, वो क्या होता है, फोर्स, ना करे तब भी फोर्स है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना सर। हेलो, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर क्या करता है, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क रेजिस्टेंस का है, क्या मैकेनिक्स, क्योंकि हम जो देख रहे हैं मैकेनिक्स है बच्चों, क्या मैकेनिक्स में फोर्स के अगेंस्ट वही काम टेंशन का होगा, जैसे मेरा क्वेश्चन को सुनो जरा, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क रेजिस्टेंस का होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस का वर्क, पहले तो ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हों, रेजिस्टेंस का वर्क होता था कि वो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है,
जिसका फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों याद आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, या दूसरा फॉर्मूला था V अपॉन I, है ना, कई सारे। तो मीन्स रेजिस्टेंस वाली जो बात थी वो इसमें थी, अपोजिंग नेचर वाली, है ना, ये इस तरह से। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का वर्क होता है, क्या वही वर्क टेंशन का होता है फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या करती है बॉडी की पोजिशन में चेंज करती है। अब यहाँ पे लग किस पे रही है, रस्सी पर, स्ट्रिंग में, तो टेंशन क्या उसको मोशन को रोकेगी, उसकी फोर्स को अपोज करेगी, बिल्कुल करती है, बिल्कुल सेम यही है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात और याद रखो, आप हवा में किसी बॉडी को चला के, जैसे काइट है ना, तो काइट में को जब हम उड़ाते हैं, काइट को जब बच्चे उड़ाते हैं तो उसको भी स्ट्रिंग, वहां पे स्ट्रिंग लेते हैं ना, स्ट्रिंग को खींचते हैं तो काइट ऊपर जाती है, ढीला छोड़ते हैं, लूज करते हैं तो नीचे आती है। इसका मतलब कि वहां पे एयर ब्लो होती है और एयर क्या करती है, काइट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर से फोर्स लगता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पड़ा था, फोर्स अपॉन एरिया। काइट का साइज जितना बड़ा, काइट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा, देखो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा इतनी फोर्स लगेगी, उतना ही फोर्स लगेगा, बताओ बताओ, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है मान के चलो पी है ना, एरिया बढ़ाते जाओगे तो मल्टीप्लाई बढ़ती जाएगी, फोर्स अपने आप बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई ए, भाई हवा का प्रेशर है ना, और एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी। तो स्ट्रिंग को संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए कम हवा में उड़ाते हैं, तेज हवा हो जाती है तो खींचना मुश्किल होता है, ये लगने लगता है अगर आंधी में कोई पतंग उड़ा रहा है पहले से, ऑलरेडी कोई मान के चलो पतंग उड़ा रहा है, आंधी आ जाए अब क्या होगा, और पूरी उसने रील को पूरा खोला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट तक काइट है, अब क्या होगा, अगर वो खींचेगा प्रेशर इंक्रीज हो गया हवा के, भाई आंधी आने पे क्या होता है, प्रेशर ही तो बढ़ता है हवा का, और वो बढ़ गया, काइट का साइज तो उतना ही है तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ा ये इस तरह से, हमने क्या किया, एयर ब्लॉक होती है ऐसे, है ना, ये काइट है सपोज, यहाँ पे गोल सर समझ लो, अलग ही काइट का साइज थोड़ा ऐसे होता है ना, इस तरह से ये पूंछ होती है थोड़ी, तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे डोरी और एक इस तरह से हमारी काइट फ्लाई करती है अभी, और हमने जैसे ही क्या किया, हवा का प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, और रस्सी के अंदर टेंशन किस डायरेक्शन में, देखो ये प्रेशर फॉरवर्ड, और स्ट्रिंग के अंदर क्या हुआ, जब हम उसको खींचते हैं जहां हमने पकड़ा हुआ है वहां पे तो टेंशन ऐसे रहेगा क्योंकि वो अपोज कर रहा है ना, तो यहां लेकिन काइट के पास में इस तरह से, तो ये टेंशन अपोज करता है उसको मोशन में ना जाए, काइट को जाने से रोकता है, हालांकि ये टेंशन इससे ज्यादा है, अभी फोर्स से ज्यादा है, इसलिए आपका धागा टूटता नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, टेंशन कम फोर्स ज्यादा, बताया प्रेशर बढ़ने पर फोर्स ज्यादा हो जाएगा टेंशन कम, तो पतंग आपकी क्या होगी, आपके हाथ से निकल जाएगी, धागा आपका कोई और पकड़ लेगा, क्योंकि धागा काफी बड़ा होता है ना, पता नहीं कहां से टूटेगा, और वो दूसरी छत पे किसी से भी, और वो सब आपके धागे को भी पकड़ लेंगे, फिर पतंग भी गई धागा भी गया काम खत्म। इसी तरह से यहाँ पे है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होनी चाहिए वो mg से ज्यादा होनी चाहिए, यहां भी और यहां भी, यहां और यहां, अगर ये कम रह जाती है तो वैसे भी टूट जाएगी रस्सी, है ना, ये वैसे भी टूट जाती है, तो मेन वर्क जैसे अभी बच्चे ने पूछा जो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का था वही यहाँ पे होता है, लेकिन जरूरी नहीं टेंशन ही वर्क करता है हर जगह, पोज रोड के ऊपर व्हीकल चलता है वहां पर उसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यहां पर क्या है टेंशन, अगर हवा में चलते हैं और हवा में, वहां भी हवा में भी फ्रिक्शन होता है, पानी में आप चलते हो तो जब आप पानी में चलते हो तो बोट को सेलिंग करते हैं, अगर वो वहां पे पानी का भी एक फ्रिक्शन होता है, लेकिन उसको क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, सो नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स बाय द वाटर, लेकिन वहां पे विस्कस फोर्स होता है जो बॉडी को, पानी के अंदर बॉडी की मोशन को अपोज करता है, मीन्स
लेयर के बीच में लगता है, पानी की लेयर के बीच में लगता है विस्कस फोर्स इस तरह से। तो ये चीजें हैं जो मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पे mg ज्यादा t से है ना, बोले सर अभी तो बोल देते टूट जाएगी। बेटा टूटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां फ्री है, यहां से पकड़ लो और ये वेट सपोज mg की वैल्यू अब ज्यादा हो जाए t से, अब क्या होगा? आपने इसको पकड़ लिया है कि हम इसको नहीं जाने देंगे, लेकिन ये वेट ज्यादा है टेंशन से, अब ये टूट के नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये फालतू फोर्स जो एक्स्ट्रा फोर्स है, क्योंकि टी की मान वैल्यू मान के चलो 2 न्यूटन और ये 3, तो 1 न्यूटन की जो फोर्स है उसको मोशन में लेके आएगी, 1 न्यूटन की फोर्स से वो मोशन में आएगी। अगर ये आप इसको पकड़ लेते तो ये 1 न्यूटन इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देती। समझ आ रहा है? फिर से समझो, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा फोर्स लगाता है उसे खींचने के लिए, सपोज उसकी फ्रिक्शन फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर से ये बॉडी है, बच्चे का खिलौना है और बच्चा के खिलौने को आपने रस्सी से बांध दिया, धागे से बांध दिया और बच्चा बेचारा खेल रहा है, आराम से चल रहा है कंफर्ट वे में। आपके मन में शरारत आई कि बच्चे को आज परेशान करना है, आपने उसका खिलौना पकड़ के पैर रख लिया या किसी भी तरह से जमीन पर प्रेस किया, अब क्या होगा? और तभी भी मान के चलो 3 न्यूटन थी और जिस सरफेस पे वो चलता है उसका खिलौना, वहां पे फोर्स 2 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की वजह से वो आगे चलता रहेगा, है ना? बाय चांस आपने इसको पकड़ लिया, अब क्या होगा? आपने तो इस फोर्स को बढ़ा दिया, यहां पे चलने का प्रेस करने का मतलब क्या, चलने ही नहीं दे रहे हो। हाँ, अगर इसका रास्ता मजबूत है, सोचा आपने कि हम इसको पकड़ ले, बच्चे का रास्ता टूट जाएगा, छोटा बच्चा था धागा बांधा हुआ था टूट गया, लेकिन बच्चा भी जिस बड़ा तो होगा एक दिन, अब वो बड़ा हो गया लेकिन खेलने की आदत उसकी अभी भी नहीं गई। अब आपने उसने क्या किया, इसको मोटे रस्ते से बांधा है और मोटे रस्ते से आज आपने फिर से मन में शरारत था कि हम इसे दाब लें, आपने इसको पकड़ के प्रेस किया, लेकिन बच्चे का रास्ता मोटा है, अब टूटने वाला नहीं, अब क्या होगा, वो आपको भी पकड़ के खींचना शुरू कर देगा। और ऐसा हुआ होगा, आपने पैर रखा, कई बार टूट भी जाती है और कई बार आप भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाते हो, तो ये वाली कंडीशन आती है। तो ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट कितना है। तो फ्रॉम फिगर यहां पे देखो जरा, फॉर ऑब्जेक्ट कैपिटल एम, फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल एम, mg माइनस, क्योंकि mg ज्यादा t, और कितना फोर्स था वो, कितने से मोशन कर रहा, ma, इक्वेशन नंबर 1, ये याद रखना। अब बात करते हैं सेकंड बॉडी के लिए, फोर बॉडी ऑफ मास m, यहां पे बात करें फोर बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम हो गया स्मॉल एम, तो यहां कौन सा ज्यादा है, एम जी कम है टी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर ये नीचे आता है तो एम जी ज्यादा है टी से, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है इसका मतलब टी ज्यादा हुआ होगा एम जी से, है ना? बोले सर टी भी ज्यादा हो सकता, हो सकता है, अगर ये ज्यादा है तो ये टूट जाएगी। मैंने बोला क्या, आप इसको पकड़ लो, उस कंडीशन में ऐसा फील होगा, इसका खुद का तो मास इतना नहीं था लेकिन आपकी वजह से इसको ज्यादा मिल रहा है, या आप इसको अलग से एक रस्सी से बांध देते हो जो यहाँ पे फिक्स है ग्राउंड से, अब ये टूट जाएगा रस्सा। खैर हमें ऐसा नहीं करना, खेल खराब नहीं करना, खेल बनाना है, है ना, खराब नहीं करते बच्चों खेल को। तो फोर बॉडी ऑफ मास एम स्मॉल एम, तो क्या आएगा, टी माइनस एम जी, वो कैपिटल है ये स्मॉल है, इक्वल टू एम ए, यहां भी रिजल्टेंट ये बनता है सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें कनेक्टेड बॉडी के जो क्वेश्चन करोगे आप, इस तरह से इक्वेशन बनाओगे कि बॉडी चलती किधर है, क्या है, ये तो अभी पुली का है, होरिजोनटल सरफेस के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से,
तो इस तरह से अब आपको दो चीजें निकालनी होंगी इसमें, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा क्योंकि मास या कुछ भी पूछे, इक्वेशन बनाएंगे और करेंगे। मीन्स दो इक्वेशन है तो वो दो ही वेरिएबल देगा जिन्हें आपको निकालना होगा, ज्यादा देगा तो नहीं कर सकते क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर तीन वेरिएबल पूछेगा तो तीन इक्वेशन बनानी होगी, फिर कुछ और कंडीशन आएगी। क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर, फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस है प्लस है, और यहां आता है एम जी माइनस स्मॉल एम जी एम ए प्लस एम ए कॉमन है दोनों में, है ना, तो यहां आ जाएगा ए और ये कॉमन लेने के बाद अलग, और जो इसके साथ बचेगा बच्चों एम प्लस एम वो मैंने साथ साथ यहां पे रखा है। देखो ए कॉमन लोगे तो ये टर्म यहां आएगी, वो नीचे चली आएगी और ऊपर क्या बनेगा एम जी, इसमें जी कॉमन है एम माइनस है या जी, तो याद रखना एम माइनस एम जी और ए एम प्लस एम, एक्सेलरेशन इतना आता। दूसरा निकालेंगे टेंशन। अब टेंशन को कैसे निकालोगे, टेंशन को निकालने के लिए ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, हालांकि 2mm अपॉन m प्लस m ये आएगा, देखते हैं किस तरह से। तो a की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, या चलो फर्स्ट में ही कर लेते हैं, टेंशन चाहिए ना, मैं सेकंड में पुट करें इक्वली या किसी में भी कर लो कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी ज्यादा ज्यादा। नीचे स्पेस है, द वैल्यू ऑफ ए पुट इन फर्स्ट, तो क्या आएगा एम जी माइनस टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एम माइनस एम जी एम प्लस एम, ये आ गया। तो टी को उधर ले लें, इसको इधर ले आए, तो टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, ये उधर टी को इधर ले आए, इसको इधर लेके जाए, है ना, टी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम की साथ साथ अंदर भी मल्टीप्लाई करो, करें तो आ जाएगा डिवाइड से, हाँ वो इजी बढ़ेगा, सही कह रहे हो, डिवाइड से करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं डिवाइड करके थोड़ा इजी हो जाएगा ये, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, वैल्यू पुट ना करके डिवाइड से कर देते और भी इजी हो जाए। तो देखो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड किया तो m अपॉन m, यहां पे देखो पहले एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी इक्वल टू एम अपॉन एम, ए से ए कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई एम एम जी माइनस एम टी, यहां पे एम टी माइनस, अच्छा चलो टी बाद में कॉमन लेंगे, एम टी माइनस एम एम जी, एम एम जी इधर ले आए तो ये आ जाएगा टू एम एम जी, और ये इधर जाएगा तो होगा एम टी प्लस एम टी, ये वाली टर्म स्मॉल एम टी दोनों में है तो आ जाएगा टी इक्वल टू
2mm g अपॉन m प्लस m, इस तरह से ही हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रिक्शन, जो अभी बात बोल रहा था ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन। अब बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, तो अभी मैंने बोला कि फ्रिक्शन क्या होगा, एक अपोजिंग फोर्स है विच अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड ओवर अ सरफेस। कोई भी बॉडी जो किसी सरफेस पर स्लाइड करती है या मूव करती है सरफेस के ऊपर, तो ये वर्क करता है किस तरह से। मान के चले हमारे पास एक ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये कोई एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एफ फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो जैसे ही हम एग्जर्ट करना शुरू करते हैं बॉडी एकदम से मोशन में नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करने के बाद भी बॉडी मोशन में नहीं। आप ट्रक है, आप बोले कि सर टेबल को चेयर को हम पुल करते हैं घर के अंदर, या किसी बॉडी को सरफेस के ऊपर कुछ रखा हुआ है, शायद किचन में रखा हुआ है सपोज, और किचन के अंदर ट्रे है, ट्रे को हम खींच लेते हैं, बुक को हम खींच लेते हैं टेबल के ऊपर पुल कर लेते हैं इजिली। लेकिन बच्चों सोचो जरा, जब आपने फोर्स लगाना शुरू किया बुक के ऊपर, आप हसो फैन से पकड़ो उसको तब खींचना शुरू करो, नहीं आती बुक। फोर्स को बढ़ाओगे तब वो बुक आपकी तरफ आना शुरू करती है ना। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ये मोबाइल है और मैंने मोबाइल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन मोबाइल आगे की तरफ नहीं इंक्रीज होता, अब चला है। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स की वैल्यू इंक्रीज की है। इसी तरह से किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वो बॉडी एकदम से मोशन में नहीं आती। अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू का फोर्स एकदम से लगाओगे तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते हो फोर्स की तो वो एकदम से मोशन में नहीं आती, बल्कि क्या होता है कुछ टाइम रुकती है और उसके बाद एक टाइम आएगा कि जब फोर्स की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाएंगे तो बॉडी किसमें आ जाती है, कम्स इनटू द मोशन। इससे क्या इंडिकेट होता है कि कुछ एक फोर्स है, बाकी देखते हैं हर जगह नहीं है, लेकिन दोनों लेयर के बीच में देखो बॉडी की लेयर ये और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है जिसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, बैकवर्ड, और ये कहां होता है उनके कॉन्टैक्ट सरफेस पर, कॉन्टैक्ट लेयर पर, कॉन्टैक्ट लेयर के बीच में, जो हमेशा बॉडी के सरफेस की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस तरह से अगर मैं ऊपर वाली बॉडी की बात करूंगा, ध्यान से देखना, मैंने बोला हमेशा ये सरफेस उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होता है, और कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होगा हमेशा उस बॉडी की मोशन को अपोज करेगा, या ये बोलो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, बॉडी अगर ये आगे की तरफ चलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो रियल में चलती है आगे की तरफ, तो इसके सरफेस पर तो बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर ये सरफेस इसके कॉन्टेक्ट में है तो इस सरफेस को क्या लगेगा कि जैसे मैं पीछे जाता हूं, मेरी बात समझो ध्यान से जो मैं आपसे बोल रहा हूं। मैंने बोला कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस पर एग्जर्ट होता है,
कॉन्टैक्ट सरफेस पर एग्जर्ट होता है और हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करता है। तो ये बॉडी की मोशन का जो सरफेस है, इस बॉडी का जो सरफेस है कॉन्टैक्ट, वो ये वाला। अब ये सरफेस आगे की तरफ बढ़ता है तो इस पर फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है, फ्रिक्शन अपोजिट, क्योंकि इसकी मोशन को तभी रोक सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब ये बॉडी आगे जाती है तो इस सरफेस को क्या लगेगा नीचे वाले को, कि जैसे मैं पीछे जाता हूं। मैंने बोला कि मोशन का पता हमेशा दो बॉडी की रिलेटिव पोजिशन पर डिपेंड करता है। पोजिशन से मतलब कि दो बॉडी के बीच अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब दो हाथ है मेरे, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, दोनों कैसे लग रहे हैं रेस्ट में, अभी भी दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों रेस्ट में, क्यों, क्योंकि इसको इसको इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम दिखाई देती है। एक मूवी है हॉलीवुड की, मैं दिमाग से निकल गया, तो वहां पे ऐसा था कि एक जानवर होता है और बाद में हीरो का नाम दिमाग से निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो जानवर जैसे ही बॉडी मोशन में आती है, मींस कोई भी पर्सन मोशन में आता है, उसको खा जाता है वो। तो इस बात का उस हीरो को पता चल जाता है कि ये उसी पर्सन को खाता है जो दौड़ता है। अगर आराम से हम रहेंगे तो इसको यही नहीं पता चलेगा कि हम पर्सन है। अब वो जैसे ही अपनी नजर को इधर घुमाता है जानवर, तो वो भी उसकी नजर के साथ साथ, उसके चेहरे के साथ साथ अपने बॉडी को मूव कराता है। वो इधर करता है तो वो भी उसके साथ साथ मूव कराता है। हालांकि ये वो मूवी थी, क्यों, मैंने बोला मेरे दोनों हैंड्स हैं, ये इसको देख रहा है, इसको दोनों को लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में। लेकिन एक चीज और भी है जो पता चला सकती है कि बॉडी मोशन में है या नहीं। अगर इस पर्सन की नजर इसके साथ साथ सराउंडिंग पर भी है, सराउंडिंग का मतलब अभी देखो, जैसे मेरी बात को देखना, आपको मेरा ये हाथ दिखाई दे रहा होगा, मान के चलते हैं ये भी है, दोनों एक साथ इस तरह आते हैं, तो अगर ये वाला हाथ इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी को देखता है तो इसको क्या लगेगा, जैसे हम रेस्ट में, लेकिन ये बहुत तेज है, इसने क्या किया, ये इसको भी देखता है और साथ में पीछे वाले सराउंडिंग को भी देखता है, बोर्ड को भी देखता है, और इसे क्या दिखाई देता है, बोर्ड की पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब ये वाला पर्सन मोशन में है। हम किसी बॉडी का पता कैसे चला लेते हैं कि पोजीशन चेंज होती है, और साथ साथ किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आप इस मोबाइल को भी देखोगे कैसे लग रहा है कि ये मोशन में है, क्योंकि बोर्ड के रेस्पेक्ट में, बोर्ड क्या है इसके लिए, सराउंडिंग, बोर्ड के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होती है, इसलिए आपने इसको मोशन में बोला है। अगर आप बोर्ड बिल्कुल पीछे सरफेस हम ऐसा ही बना दें, मैं इन फिगर को रब कर दूं और बिल्कुल सरफेस ऐसा ही हो जाए और आपका कैमरा भी उसी स्पीड से चले जिससे ये चलेगा, तो आपको क्या लगेगा, मान लो मुझे भी एक ट्रॉली पे बैठा दिया जाए मेरे मोबाइल को और कैमरे को भी, और वो ट्रॉली ट्रेन की तरह है, मान के चले हम ट्रेन में हैं, इस बात को समझो, हमें ट्रेन में बैठा दिया जाए कैमरे को भी और मुझे भी, तो क्या बोलोगे कि सर आप तो, मैं ट्रेन में बनाऊं यही वीडियो, तो क्या बोलोगे आप सब कि सर आप तो रेस्ट में हैं, मोशन में नहीं, क्यों, क्योंकि अब हमारी पोजीशन, क्योंकि ट्रेन की दीवार इधर, ट्रेन की दीवार उधर, ऐसे तो है नहीं कि ट्रेन चलती है एक दीवार पीछे और एक दीवार आगे, अरे ट्रेन की तो पूरी बोगी होगी और पूरी बोगी में सारी दीवारें फिक्स हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि ट्रेन